हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं रूबीका लियाकत सैविज रिप्लाई। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती थी रूबीका लियाकत की वीडियो करो, हमने कहा क्यों नहीं, देखते हैं वीडियो कैसी है। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां पर जाकर उनको देखिए और उनको जाके सब्सक्राइब कीजिए। हां, वीडियो स्टार्ट होते ही वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हां, कमेंट करके बताएं अगले वीडियो कौन सी। चलिए वीडियो देखते हैं रूबीका लियाकत की, तो देखते हैं या वी गो, लेट्स सी। अरे आप इतना कितना चिढ़ने लग गए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण पर आपको इतनी चिढ़ क्यों मचने लगी असीम साहब? और सुनिए मेरी बात, सुनिए मोदी, मैं यहाँ पर वो है ना गंगा पानी करके और अपनी तनख्वाह लेती हूँ, ठीक है? आप कहीं पर किसी को पैसा देकर अपनी वाहवाही करवाते होंगे, इसीलिए आपको ऐसा लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका। सबसे पहले असीम वकार साहब, शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हो गया, वल्लाह माशाल्लाह। इससे क्या करना चाहती है, मैं मतलब समझ नहीं पाया। मतलब ये हमारी परंपरा है, और अगर परंपरा को चमक और दमक लगे तो फिर आपको खुश होना चाहिए ना। मैंने तो मोदी का नाम ही नहीं लिया है, मैंने तो वल्लाह माशाल्लाह कहा है। सैयद असीम वकार साहब, क्या बात कर रहे हैं? और बहुत बहुत मैंने बहुत शराफत से सवाल आपसे किया था कि आज एक बड़ा दिन है, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई, बोलती नाराज कब हूँ जो उसमें नाराजगी की कौन सी बात है? इसी देश में रहता हूँ। अब जैसे आपसे कहा जाए जय जयकार करिए, मुझे ये बताइए, सुनिए सुनिए मैडम, अगर आपसे कहा जाए जय जयकार कीजिए। अरे सुनिए मैडम, अरे मैडम मैं बस ये बताइए कि ये लोगों की सहूलत के लिए है कि नहीं है? इससे लोगों को सहूलत नहीं होगी? मैं नहीं बताऊंगा। होगी कि नहीं होगी? मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, बताइए भाई, कह रहा हूँ आपको तनख्वाह ना दी जाए और आपके विकास के रास्ते बंद कर दिए जाएं, आप मेरे देश से कारोबार खत्म कर दिए जाएं। अरे आप इतना कितना चिढ़ने लग गए, इतने मंदिर मस्जिद बन गए, इतना कॉरिडोर के लोकार्पण पर आपको इतनी चिढ़ क्यों मचने लगी असीम वकार साहब? और सुनिए मेरी बात, सुनिए, मैं यहाँ पर एंकरिंग करके और अपनी तनख्वाह लेती हूँ, ठीक है? आप कहीं पर किसी को पैसा देकर अपनी वाहवाही करवाते होंगे, इसीलिए आपको ऐसा लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं तो एकदम डंके की चोट पे कहूंगी कि आज जो काम हुआ है वो शानदार काम हुआ है। आज जो काम हुआ है वो लाखों करोड़ों भक्तों की जिंदगी को बिल्कुल सलीके से उसे सहूलत देने का काम करेगा जो वहां पर भक्ति करने जाएंगे। मतलब ही नहीं होता, तकलीफा ना डील करना होता। डंके की चोट पर कह रही हूँ असीम वकार साहब, आपको चिड़ मच रही है तो इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है इसका। बात तो सुनिए मोदी जी, मैडम बात तो मेरी कर रही है, मुझे आप चलाने हैं यार, वो लाइव थोड़ी है, ये तो वीडियो दे दी बात हो गया मामला, आप क्या लाइव हो गया कहना, आपको चिढ़ मच गई मस्ती में मेरा, आपको वल्लाह माशाल्लाह कॉरिडोर का लोकार्पण हो गया, चिढ़ मच गई, जली ना तेरी भी जली ना। क्या आप चाहते क्या है अब, और क्या किया जाए यार, कितना चेंज कर रहे हैं बात को। अरे मैं मैडम मैं ये पूछ रहा था, सुनिए पूछिए आप, आज मैं पूछ रही हूँ, आज मैं पूछ रही हूँ और उसका जवाब दे दीजिए। आप खुश हैं कि नहीं है? आज की तस्वीरों को देखकर दिल जल रहा है असीम वकार का, जल रहा है, दुखी हो रहा है। नाराज कब था? नहीं मैं नाराज, मेरा कोई ट्वीट आया हो, मेरा कोई बयान आया हो, आप बोलिए, मैं ना दुखी हूँ ना कुछ, आप बोल दीजिए, मेरे राष्ट्रीय ध्वज ने कोई बयान दे दिया हो, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, मेरे राष्ट्रीय ध्वज ने बयान दिया हो, मैंने दिया हो तो बताइए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, बाकी सारी जगहों पर आपके बयान आ जाते हैं, आज की तारीख में आप परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ कोई मौका हो वो कैसे आ जाएगा, आपके मुंह से कैसे निकल जाएगा? आपकी उठ तोड़ने फोड़ने वाली राजनीति पर नहीं चल पाएगी ना वकार साहब, आपकी उठ तोड़ने फोड़ने वाली राजनीति पर नहीं चल पाएगी ना वकार साहब। अरे बात तो सुनिए मैडम, सुन लिया ना सर, बात तो सुनिए मैडम, तो सुनिए, मैं आपके जाल में नहीं फंसने वाला। अरे आप कोई मछली थोड़ी है जो जाल में फंसेंगे, आप मछली है रूबीका वकार साहब, काहे फंसेंगे जाल में जबरदस्ती। जब
मजा आ गया यार वीडियो का। और वो देखिए मैडम जी ये बोली जा रहा था यार, कौन था भाई ये, मतलब वो पलट रहा था वो बोलना ही नहीं चाह रहा था वो टॉपिक। और आप भी कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी, और ये कौन है भाई अंकल कमेंट करके बताओ, और साइड पे अंकल कौन थे, मुझे हंसी जा रहे थे वो जो दूसरे थे ऐसे बैठे, कमेंट करके बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।